नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। रंगों के त्योहार होली पर अगर आप दूध, मावा और पनीर से बनी चीजों को परोसने जा रहे हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि मार्केट में बिक रहा खोआ पनीर और दूध आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। त्योहार पर मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर बाजार में हावी हो चुके हैं। मिलावटखोर सिंथेटिक खोआ पनीर की सप्लाई धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिसके खाने से आपके सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि ये मिलावटखोर कैसे खाने की चीजों में मिलावट करते हैं और इसका आपके सेहत पर कैसे असर पड़ सकता है। रंगों के त्योहार होली में दूध, खोआ और पनीर की मांग बढ़ने लगी है। मिलावटखोरों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। त्योहारों पर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए खाने पीने की वस्तु में मिलावट कर रहे हैं। त्योहार पर पनीर, खोआ और फिर दूध, सभी की खपत दुगनी हो जाती है। डिमांड और आपूर्ति की खाई को पटाने के लिए ये मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। दूध भी नहीं है शुद्ध। पानी में मिल्क पाउडर डालने के बाद चिकनाई लाने के लिए शैम्पू और डिटर्जेंट पाउडर डाले जाते हैं। इसके बाद रिफाइंड तेल की एक पैकेट इसमें डाले जाते हैं। धीरे धीरे ये सफेद रंग गाढ़े पेस्ट में तब्दील हो जाता है। फिर पानी मिलाकर दूध तैयार कर लिया जाता है। दूध ये पकड़े जाने के डर से करीब 20% इसमें असली दूध भी डालते हैं। सिंथेटिक खोआ भी तैयार। सिंथेटिक खोआ तैयार करने के लिए उबला आलू, सोडा, वेजिटेबल ऑयल, बेकिंग पाउडर डालकर तैयार करते हैं। गर्मियों के दिन में दूध और खोआ खराब न हो, इसके लिए उसमें कुछ बूंदे फॉर्मेलिन की भी डाले जाते हैं। डेंजरस है रंग बिरंगे पापड़ चिप्स। बाजार में बिक रहे रंगे बिरंगे पापड़ चिप्स काफी खतरनाक हैं, क्योंकि इसमें मिलाया गया केमिकल्स सेहत को बिगाड़ सकता है। खाने पीने वाला कलर नहीं बल्कि केमिकल युक्त कलर मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। कानूनी शिकंजा। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम है। इसमें लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और घटिया खाद्य पदार्थों के धंधे से जुड़े लोगों को सबक सिखाने के लिए सख्त प्रावधान है। ये है प्रावधान। गलत ब्रांड खाद्य पदार्थों की बिक्री पर 3,00,000 का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं अप्राकृतिक और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर 2,00,000 का जुर्माना लगाया जाता है। खाद्य पदार्थों के अन्य चीजों की मिलावट पर 1,00,000 तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं मिलावटी खाद्य पदार्थों के संबंध में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उम्र कैद और 10,00,000 रुपए का जुर्माना लगता है। सेहत पर असर। पाचन तंत्र और आंतों को इससे काफी नुकसान होता है। कब्ज, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और गैस की बीमारी हो सकती है। वहीं महिलाओं की माहवारी में भी दिक्कत हो सकती है। अल्सर, गैस, बदहजमी, मद्वार की शिकायतें बढ़ जाती हैं। लीवर और किडनी को प्रभावित करती है। सिंथेटिक दूध से आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। पेट में दर्द और डायरिया हो सकता है। अधिक खाने पर लीवर पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसे करें पहचान। सिंथेटिक खोआ को अगर पानी में फेंटे तो वह टुकड़ों में बटकर अलग हो जाता है, जबकि असली खोआ पतला होकर पानी में घुल जाएगा और एक जैसा रहेगा। वहीं आधा चम्मच दूध के साथ सोयाबीन पाउडर डालकर मिक्स करें। इस मिक्सचर में लिटमस पेपर डाल दें। कुछ देर में पेपर का रंग नीला या फिर लाल होने पर समझ जाएं कि आपके दूध में मिलावट है। तो देखा आपने कैसे मिलावटखोरी का गोरख धंधा इन त्योहारों में और तेजी से बढ़ जाता है और किस तरह ये मिलावटखोर चंद पैसों के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। इस त्योहार में अपने और अपने परिवार की सेहत का रखें ख्याल और देखते रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।